आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, यानी के जो हम एक पैराग्राफ लिखते हैं किसी भी चीज के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे पास और भी इस टाइप की वीडियो आती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे मेरा प्रिय त्योहार। तो मेरा प्रिय त्योहार में आज हम पढ़ेंगे दिवाली। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? दिवाली। तो दिवाली के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। तो वैसे तो हमारे जो भारत में है कई तरह के त्योहार मनाते जाते हैं, जैसे कि भारत एक विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा देश है जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यानी कि अनेक टाइप के धर्म है यहाँ पर जिनके लोग यहाँ पर रहते हैं। अतः यहाँ मनाए जाने वाले पर्व भी अनेक हैं। पर्व मीन्स त्योहार, यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं ना वो भी बहुत सारे हैं, जैसे कि दीपावली, होली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। विजयदशमी यानी कि दशहरा हिंदुओं के चार प्रमुख त्योहार है। जो हिंदू लोग होते हैं ना इन त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, यानी कि उनके ये बड़े त्योहारों में आते हैं। वैसे तो प्रत्येक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है, यानी कि कोई भी त्योहार हो उसका कोई तो महत्व होता ही है ना अपना विशेष। परंतु इन सब में दीपावली का त्योहार मुझे प्रिय है, यानी कि जो दीपावली है ना वो मुझे इन सब त्योहारों में से सबसे ज्यादा प्रिय है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। जिस दिन हमारी अमावस्या होती है ना और कार्तिक का महीना होता है तो उसमें यह त्योहार आता है। तो जब कार्तिक मास की अमावस होती है ना तो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का धार्मिक, पौराणिक तथा सामाजिक सभी दृष्टि में विशेष महत्व है। इसे मनाने हेतु यह पौराणिक कथा प्रचलित है, यानी कि पुरानी, बहुत ही पुरानी कोई कथा है जो बहुत फेमस है, यानी कि प्रचलित है कि इस दिन श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। यानी कि जो हमारे श्री राम थे ना वो ना 14 वर्ष से वनवास में भटक रहे थे, और वहां पर उसे उन्हें पता चला कि रावण नाम का कोई राजा है, राक्षस। तो वो हर एक लोगों को बहुत तंग करता है, तो भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया। और अयोध्या क्या था? अयोध्या उनका अपना घर था। तो वो उस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। श्री राम के सीता तथा लक्ष्मण सहित लौटने पर उनके साथ और कौन कौन था? उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, तो वो भी उनके साथ थे उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ? श्री राम के सीता तथा लक्ष्मण सहित यानी के साथ लौटने पर लोगों ने घर में घी के दिए जलाए थे, यानी के दीपक जलाए थे। जब उन लोगों ने लौटना था ना तो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष बाद आ रहे थे, तो इसलिए लोगों ने घरों में घी के दीपक जलाए थे। तभी से इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। और क्या होता है दिवाली के दिन?
दिवाली के कई दिन पूर्व यानी के पहले सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं तथा उसकी लिपाई पुताई यानी के रंग रोगन होता है ना, जो सफेदी बोलते हैं हम, जिसे व्हाइट वॉश बोलते हैं, वो नए रंगों से रंगाई करते हैं। अमावस्या आपने पहले भी पढ़ा कि ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो क्या होता है, अमावस्या की रात्रि को गणेश तथा लक्ष्मी का पूजन होता है। लोग सभी अपने घरों में गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। वह सभी और घरों में दीप जलाए जाते हैं। दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। यह हमें समाज में फैली अनेक बुराइयों को समाप्त कर अच्छाइयों की ओर ले जाने हेतु प्रेरित करता है। यानी कि हमारे समाज में जहां पर हम रहते हैं वहां पर ना बहुत सी बुराइयां होती हैं और हम भी कई बार उनमें से कुछ बुराइयां सीख जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के त्योहार मनाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया दीपावली, हमें इसमें सबसे अच्छा लगता है जब हम ये मनाते हैं, तो हम समाज में आई हुई बुराइयों को, अपने अंदर आई हुई बुराइयों को समाप्ति कर देते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे अंदर कोई बुराइयां भी हैं और हम अच्छाइयों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम जब ये हर साल त्योहार मनाते रहते हैं और हमारे अंदर आई हुई बुराइयां खत्म होती जाती हैं। धन्यवाद।